उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गैरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने के आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे जांच का विषय बताया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कैसे केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है हमारा एक बाकायदा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MPs हैं, उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के स्थानीय लोगों को होने वाला है।